मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 से लेके 12 तक जो हमारा हिंदी का व्याकरण का टॉपिक है, समास। समास क्या होते हैं वो आज हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कर लेते हैं परिभाषा कि समास कहते किसे हैं, ठीक है। परिभाषा को हम बोलेंगे और साथ के साथ उसको लिख लेंगे, उसको समझ लेंगे। जैसे समास वह शब्द रचना है, यानी कि शब्दों का एक हमें रचना करनी है शब्दों की, और वो क्या है जिसमें अर्थ की दृष्टि से यानी कि उनके मीनिंग के लेवल पर परस्पर संबंध रखने वाले, यानी कि जब दो शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक शब्द, जब उनका आपस में दोनों ही शब्द अर्थपूर्ण होते हैं, उन दोनों का मीनिंग होता है। जब हम उन दोनों को आपस में मेल करते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य, यानी कि जब एक इधर है और एक इधर है, इन दोनों के मिलने से एक जो तीसरा जो शब्द बनेगा, ठीक है, अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, तब हम उसे समास रचना कहते हैं। समझ में आया? जैसे हमने कोई भी शब्द ले लिया, जैसे राजा का पुत्र, ठीक है, हमने ये शब्द ले लिए हैं और इनका अलग अलग मीनिंग है। और जब हम इनको इकट्ठा मिला के लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं राजपुत्र, ठीक है। तो ये हमारा एक नया स्वतंत्र शब्द का निर्माण हो गया, हम इसे कहेंगे समास रचना के, हमने समास रचना हमने कर दी है, हमने एक स्वतंत्र शब्द की रचना कर दी है, ठीक है। तो ये हम हो गई हमारी परिभाषा समझ में आ रही होगी आपको। अब हम करते हैं इसके बारे में जो नियम है इसके। समास रचना में दो शब्द होते हैं, दो शब्द हम उनको पद भी कहते हैं। जैसे ये हमारे पास इधर है एक राजा का और एक पुत्र, ठीक है, ये दोनों इसको हम पद बोलेंगे, ठीक है। और पहला जो पद है वो पूर्व पद कहलाता है, जैसे इसमें हो गया राजा का, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पूर्व पद हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, जिसमें जो उत्तर शब्द है हम इसको उत्तर पद कहेंगे, ठीक है। तो पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों के समास से यानी कि इन दोनों के मिलन से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। तो जो राजपुत्र हमारा ये स्वतंत्र शब्द बना है हम इसको समस्त पद कहेंगे। इसे कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे पूर्व पद जमा उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पहले वाला और उत्तर बाद वाला, यानी कि दोनों जब शब्द मिलते हैं तो वो मिलकर क्या किस चीज का निर्माण करते हैं, समस्त पद का, ठीक है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि पूर्व पद प्लस उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद, ठीक है। जैसे 10 हैं आनन जिसकी, अब तो यहां पर दो पद हैं पूर्व पद और उत्तर पद, और उनके मिलने से समस्त पद क्या बनेगा हमारा, 10 आनन, ठीक है, 10 हैं आनन जिसके, हम तो क्या बोल सकते हैं दसानन, दसानन मतलब 10 सिरों वाला, ठीक है। हम इन दोनों शब्दों से मिलाकर एक शब्द का हमने निर्माण कर दिया और इस रचना को हम बोलेंगे समास रचना। यहाँ पर वही जैसे है राजा का पुत्र, ठीक है, या राष्ट्र पिता, ठीक है, राष्ट्र का पिता, ठीक है, तो हम उसको राष्ट्रपिता लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद मिला के समस्त पद बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है जब समस्त पद के सभी पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग कर दिया जाता है, यानी कि हमारे पास जैसे शब्द है दसानन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक समस्त पद है। जब हम इसमें से इसके पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, तब उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं, हम उसको बोलते हैं समास विग्रह। जैसे हमारे पास शब्द है दसानन, क्या हम इसका कैसे विग्रह कर सकते हैं, 10 हैं आनन जिसके, यहां तो हमने पूर्व पद और उत्तर पद मिला के क्या बनाया था,
समस्त पद। अगर हमें समस्त पद का ही विग्रह करना है तो हम उसको लिख देंगे दस है आनन जिसके, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह। क्लियर है यहां तक? गुड। उसके बाद हम करते हैं इसके भेद, कि समास के कितने भेद है। समास के मुख्यतः चार भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इन जो इसके चार भेद हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करेंगे बारी बारी सर, एक एक लेके। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जल्द ही मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए बाय बाय।